राजनीति में आज भी एक सिद्धांत चलता है और उस सिद्धांत है राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का सिद्धांत। वही राम मनोहर लोहिया जो जीवन भर एक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समता और स्वतंत्रता आधारित भारत के निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे। वही लोहिया जो आजीवन एक ऐसे भारत को बनाने का प्रयास कर रहे थे जिसमें हर किसी की समान भागीदारी हो और हर किसी की आवाज का समान महत्व हो। उन्हीं स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा मौलिक चिंतक और दार्शनिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज यानी कि 23 मार्च को जयंती है। ऐसे में आइए उनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। भारत के राजनीतिक मंच के चौथे, पांचवें और छठे दशक के जबरदस्त, तूफानी, आकर्षक, बहुचर्चित और सुर्खियों में रहने वाले इस नेता का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से तो अध्यापक थे पर दिल से एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। 2.5 साल की उम्र में ही लोहिया जी की मां चंद्रा देवी का देहांत हो गया था। उन्हें पालने वाली उनकी दादी और परिवार की एक नाइन थी। पिता गांधी भक्त थे जिसकी वजह से गांधी जी के व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ, जिसके चलते पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में लोहिया जी शामिल रहे। बनारस से इंटरमीडिएट और कोलकाता से स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लंदन के स्थान पर बर्लिन का चुनाव किया। जर्मनी में 4 साल पढ़ाई की और फिर स्वदेश लौटे। इसके बाद लोहिया गांधी जी के साथ मिलकर देश को आजाद कराने की लड़ाई में शामिल हो गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और फिर 1946 में उनकी रिहाई हुई। इसके बाद 1946 और 1947 के बाद नेहरू और लोहिया में कई मुद्दों पर मतभेद हुए। उस वक्त देश में नेहरू सबसे बड़े नेता थे लेकिन लोहिया के सवालों से नहीं बच पाए। यही कारण था कि आगे चलकर लोहिया ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। लोहिया युवा अवस्था में थे तो भारतीय राजनीति की दो प्रेरणा स्रोत थे, एक गांधी और दूसरे मार्क्स। हालांकि लोहिया गांधी से भी प्रभावित थे और मार्क्स से भी, लेकिन ना तो वो मार्क्स से पूरी तरह सहमत थे ना गांधी से। उन्होंने खुद कहा था, ना मैं मार्क्सवादी हूँ और ना मार्क्सवाद का विरोधी। वैसे ही ना मैं गांधीवादी हूँ ना गांधीवाद का विरोधी। राम मनोहर लोहिया ने साल 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। साल 1936 में राम मनोहर लोहिया को कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाया गया था। राम मनोहर लोहिया जी ने यूरोप में यूरोपीय संघ का आयोजन किया था। राम मनोहर लोहिया ने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए भी देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया। उन्होंने 1942 में गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई और लोगों को आजादी की लड़ाई में भागीदारी लेने के लिए प्रेरित किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने करो या मरो के पोस्टर और पर्चे भी बांटे थे। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया ने अरुणा आसिफ अली के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए इंकलाब नामक एक मासिक अखबार को भी संपादित किया था। कांग्रेस के सांसद पंडित मूलचंद दुबे के निधन के बाद 1963 में हुए उपचुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फरुखाबाद से मैदान में उतरे और वहां कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर बीके केशकर के खिलाफ जीत दर्ज कर पहली बार लोहिया ने संसद में प्रवेश किया था। उस वक्त कांग्रेस के विरोध में हवा चलनी शुरू हुई थी। नतीजन वो चुनाव में जीत गए। बता दें, इससे पहले वो 1962 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर क्षेत्र से प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ लड़े जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसी समय उत्तर प्रदेश के अमरोहा और जौनपुर लोकसभा चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की हार हुई। फिर 1967 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से लोहिया ने अपनी जीत दर्ज की। राम मनोहर लोहिया ने 12 अक्टूबर 1967 में नई दिल्ली के विलिंगडन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। यह हॉस्पिटल वर्तमान में लोहिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनके नाम पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल स्थापित किया गया। राम मनोहर लोहिया का प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसके मोह से कोई भी ना बच सका। रचनाकारों और चित्रकारों की लंबी फहरिस्त है जो लोहिया से बहुत प्रभावित थे। उनसे संबंधित किसी भी लेख को पढ़ने से ये साफ जाहिर होता है वे न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में अपना लोहा मनवाते थे बल्कि कला, संवेदनशीलता, मर्मज्ञता के भी धनी थे। हर तरह की गैर बराबरी मिटाने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। सदन में उनके भाषणों से जो गूंज उठती थी वह आज भी भुलाई नहीं जा सकती।
लोहिया जी के शून्य को भर पाना तो संभव नहीं। आज की मौजूदा परिस्थिति में लोहिया जी की अनुपस्थिति कष्टकारी है। भारतीय राजनीति में आप राम मनोहर लोहिया के विचारों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.बातेंयूपी.com पर विजिट कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।